नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। एसपीएन नई न्यूज में आज बात करने वाले हैं मेनका गांधी जी के बारे में, वरुण गांधी जी के बारे में। जब भी इन दो चेहरे का या नेताओं का इस्तेमाल जब मैं करता हूं, इनका नाम जब भी आता है, तो बीजेपी के खेमे में जो है खलबली मच जाती है। और इसका वजह क्या है, क्योंकि ये दो ऐसे नेता हैं, वरुण गांधी जो सांसद भी है, मेनका गांधी भी, तो ये अक्सर जो है बीजेपी पर ही हमला बोलती है। उन्हीं के सांसद है, उन्हीं पे हमला बोलती है, उन्हीं के सरकार पर हमला बोलती है। इसीलिए इनका नाम लेते ही बीजेपी के अंदर खलबली मच जाती है। मेनका गांधी ने जो इस बार सवाल उठाए हैं मोदी सरकार पर ही, वो बहुत ही भयानक सवाल है। इसको लेकर बीजेपी की बेचैनी और भी बढ़ सकती है, परेशानियां भी बढ़ सकती है। तो आइए आपको पहले बताते हैं कि सवाल क्या मेनका गांधी ने किया है मोदी सरकार से, ही अपने ही सरकार से सवाल क्या किया। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ का जो बैंक का जो घोटाले हुए हैं, अभी आप देख रहे हैं, उसका मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ। उसी को लेकर मेनका गांधी ने कहा कि 23 करोड़ के जो बैंक घोटाले के आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है। और आज जो बिजली को लेकर जो कई ऐसे लोग हैं वो आज सलाखों के पीछे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज मोदी सरकार जो है इसको गिरफ्तार करने में साबित नहीं हो पा रही है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ये बड़ा सवाल है। तो इसे साफ जाहिर हो रहा है कि मेनका गांधी वाकई में चीजों को देख रही हैं, परख रही हैं और सही गलत का जो है वो समझ रख रही हैं, और इसीलिए वो सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं वरुण गांधी पे अगर ध्यान दिया जाए तो किसानों से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ है, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो वरुण गांधी ने आवाजें नहीं उठाई है, सवालें नहीं उठाई हैं। किसानों के दुख की बात की, उनकी खून की बात की, उन 700 किसान शहीद हो गए उनकी बात की, वो लगातार सवाल उठाते रहे। अब देखना यही होगा मोदी सरकार क्या विपक्ष का तो नहीं सुन रही, क्या अपने ही नेताओं का सुन पा रही है। फिलहाल के लिए बाकी खबरों के लिए देखते रहे।